गुना में दिव्यांगों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपनी स्वाभिमान पद यात्रा को स्थगित किया है। पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मांग जायज है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं दिव्यांगजनों ने कहा कि अगर हमारी मांगे 3 महीने बाद पूरी नहीं की गई तो वो फिर से अपना स्वाभिमान पद यात्रा शुरू कर देंगे। बता दें कि दिव्यांगजनों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर राघोगढ़ से स्वाभिमान पद यात्रा की शुरुआत की थी। निश्चित रूप से इनकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दिव्यांगों को लेकर बहुत ही उनका हृदय जो है इनके लिए भरा हुआ रहता है और इनको मदद करने का पूरा उनके दिल के अंदर पूरा जज्बा है और उन्होंने ही मुझे आदेशित करके आज यहाँ भेजा है। इन सबके बीच में इनका ज्ञापन मैंने ले लिया है, आंदोलन स्थगित किया है 3 माह के लिए और इस 3 माह के अंदर हम इनकी मांगों को जो नियम कायदे सब देखकर कौन सी मांगें पूरी की जा सकती है उस पर विचार करेंगे। आश्वासन तो सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से मिलते ही रहते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि सरकार इन बिंदुओं पर, अगर सरकार दिव्यांगों के हितों में काम करना ही नहीं चाहती, अगर सरकार काम करती, क्योंकि 5 वर्षों से हम इन विषयों पर फॉलोअप ले रहे हैं और सीएम साहब के नॉलेज में भी ये बात पहले से थी और माननीय मंत्री जी के संबंध में संज्ञान में भी ये बात पहले से थी। अभी उन्होंने 90 दिनों का कहा है कि 90 दिनों में सरकार इस पर काम करेगी, तो हमारी तरफ से भी उन्हें कहा गया है कि अगर सरकार 90 दिनों के भीतर इन 16 बिंदुओं पर काम नहीं करती है तो यह यात्रा स्थगित हुई है, समाप्त नहीं। यह यात्रा पुनः यहीं से उस यात्रा का आगाज होगा जिस जगह से आज स्थगित की जा रही है। और चलिए यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। मंदसौर में नकली खाद मामले में आरोपी सहित फरार जनपद सदस्य पति के 3 हेक्टेयर भूमि और गोदाम पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इसी दौरान प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाया, साथ ही फरार आरोपी के खिलाफ इनाम भी घोषित किया। दरअसल आपको बता दें कि 4 नवम्बर को भानपुरा पुलिस ने गरौट जनपद पंचायत सदस्य पति सपानिया स्थित रणजीत और आरोपी मदन सिंह के गोदाम से करीब 30 टन नकली खाद जब्त किया था और इसी मामले में प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।